नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर अमरपाटन से। जिन्ना ग्राम में स्कूली छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को संज्ञान में लेते हुए मौके पर पहुंचे अमरपाटन तहसीलदार ईश्वर प्रधान, नायब तहसीलदार रामपुर बघेलान, अरुण यादव, कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अमरपाटन जोशुआ पीटर, रामपुर उप निरीक्षक राजेंद्र तिवारी, उप निरीक्षक थाना ताला नागेंद्र मिश्रा मौके पर। छात्र छात्राओं की समस्या को सुना गया और विद्यालय पहुंच मार्ग अतिशीघ्र दुरुस्त कराए जाने का आश्वासन दिया गया। इसी के साथ छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। न्यूज 11 से वसीम शाह के साथ राजकुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन पे रोड पे कितने सालों प्रॉब्लम जा रही है? 8 सालों से। और नेता मंत्री जो आते हैं क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि इस बार बन जाएगी, इस बार बन जाएगी। आप चक्का जाम खोलोगी? नहीं, जब कब तक नहीं खोलोगे? जब तक बंद स्कूल का काम स्टार्ट नहीं होगा, कोई हम लोग से आके हम लोग हमारे स्कूल के सामने सामान गिरा के नहीं जाएगा जब तक। आप क्या चाहते हैं? कौन से नेता है, मंत्री है, कलेक्टर साहब है? उससे हमको मतलब नहीं है, बस हमको हमारी स्कूल की रोड चाहिए। ऐसा चलो चालू करो हमारी माँ के, चालू करो। पहली बार हम आपके बीच में आया हूँ, है ना? मैं ही वादा करूँगा ना कि ये काम करा। कई वादे हुए, कई वादे टूट गए। हमारी बात सुनने के लिए ग्राम पंचायत में आदि प्रधानमंत्री यहाँ के सरपंच कौन है? रामलाल साकेत जी। नहीं नहीं, श्याम पाटिल साकेत जी लोग आए। देखो एक किलोमीटर साहब, 200 को 8 किलोमीटर का 1000 मीटर का ग्राउंड है और 200 मीटर ये एक हमारे स्कूल की हालात।